सारे लोग नेपाल से हो। अरे वाह, पढ़ाई हो रहा है और सारे बच्चे ऐसे बैठे, सबको हाई बोल देगा और क्या, पागल कर देगा लड़का। तो गाइस सबसे अमेजिंग चीज क्या हो रहा है अभी पता है, यहाँ पे ओले गिर रहे हैं आज हम लोग का सर पे स्ट्रगलिंग हो गया बहुत ज्यादा। ओले देखो यार कितना ज्यादा गिरा, बिजली कड़क रही, धीरे धीरे देखो विजिबिलिटी हम लोग का कम होते जा रहा है और टायर का ग्रिप भी अच्छे से नहीं पकड़ रहा है क्योंकि ये देखो गाइज ये मॉनेस्ट्री में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे काफी अच्छा खूबसूरत सा जगह है ये मॉनेस्ट्री, और ये देखो ग्रीनरी वगैरह पूरा दिख रहा है, और ये फ्लैग्स लगे हुए हैं पूरा। इस फ्लैग्स को क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, और ये देखो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे बिरबिलिंग आओ तो भाई मॉनेस्ट्री जरूर आना क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, और यहाँ पे नहीं आए तो फिर मजा क्या है। और पैराग्लाइडिंग करने के बाद पैराग्लाइडिंग वाला जो यहाँ पे लैंडिंग वाला रास्ता है वहीं पे ये पड़ता है बीच में, तो यहाँ पे ज़रूर आना एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। काफ़ी खूबसूरत सा जगह है, पीसफुल लगेगा आपको यहाँ पे, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो पीछे का बैकग्राउंड गाइस, कितने अच्छे अच्छे मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब यहाँ पे तो वो भी है, क्या बोलते हैं इसको यार, बत्तख। यार देखो यहाँ पे मैं आया हूँ बीर में, और छोटे छोटे बच्चे मिले हैं बहुत क्यूट क्यूट से, सबको हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय, नाम बताओ अपना। करण भाई, तो तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हो? तो ये भी नेपाल से? नेपाल, सारे लोग नेपाल से हो? अरे वाह, तो भाई लोग नेपाल से ये अच्छा। अभी पता मैं नेपाल जाने वाला हूँ घूमने के लिए कुछ टाइम में, ये देखो। तो नेपाल में कहाँ, काठमांडू जाऊँगा घूमने, अच्छा है ना काठमांडू, और कौन सा मस्टैंग भी है ना वहाँ पे जगह का नाम। तो यार बहुत ही अच्छा लगा इन लोग से मिलके, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था बहुत दिनों के बाद। और एक भाई और मिला था, वो तो दिल्ली में ही रहता था, बताया एक लड़के ने कि वो दिल्ली का ही है, मजनू की टीला। तो चलो एक बार सबको हाय बोल दो, हाय। ये तो ये देखो ये स्कूल है यहाँ का, और सारे बच्चे लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, बोल बता रहे थे कि 2 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। ये देखो क्या नाम है इसका, द बीर सकाय लामा स्कूल। और ये मैडम, ये लोग मैम हैं, यहाँ पे पढ़ाती हैं। सही है यार, अलग एक्सपीरियंस था यहाँ आने के बाद, ऐसा मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। ये यहाँ का क्लासरूम है, ये देख सकते हो इंग्लिश का पढ़ाई हो रहा है अभी, और सारे बच्चे ऐसे बैठे, सबको हाई बोल दो एक बार, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने देखा बाहर का एक हिंदी का बुक रखा हुआ था, हिंदी का भी बुक, और कौन कौन सा, इंग्लिश हिंदी साइंस, साइंस नहीं एस एस टी, थ्री सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी और अच्छा ग्रामर। बहुत अच्छा लगा देख यार, ये अलग एक्सपीरियंस था देखने के लिए। और भी काफ़ी सारे क्लासरूम्स है ना यहाँ पे, क्लास वाइज होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही है? अच्छा चलो ठीक है, अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू, बाय बाय। और तुम कराटे सीखो छोटू? नहीं नहीं, देखो ये अभी लड़ाई कर रहा था ये कराटे। कितना एडवेंचरिंग होता है करण भाई के साथ वाटरफॉल जाने के लिए, क्या करण भाई? कार भी आ चुकी है, ये ऑफरोडिंग मिला है, हिमालयन तोड़ाते हुए निकल जाए एक्सपल्स का। तो गाइस देखो हम लोग यहाँ आए और चिकन ना खाएं तो, पहाड़ों वाली चिकन तो फिर क्या खाएं, क्या करण भाई? सही भाई भाई, तो आंटी ने हम लोगों को चिकन खिलाया, ये देखो बहुत ही टेस्टी चिकन बनाया, पहाड़ी चिकन, हड्डी वाला पीस आंटी। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिलिंग का टॉप व्यू है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होता है। और ये देखो पीछे का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है, सूरज देखो यार कितना चमक रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो वहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होता है, और ये देखो ऊपर का व्यू,
बहुत ही शानदार है। और क्या तो हवा चल रहे हैं यार, एकदम ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही शानदार। गाइस ये देखो, ये वाला नज़ारा आप देख लोगे सामने से तो पागल हो जाओगे। ये देखो ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना शहर टाइप, ये बीर है। और हम लोग जहाँ बैठे हैं वो है बिलिंग। तो बिलिंग में बीर में अभी दिन है और बिलिंग में हो चुका है रात। ये देखो बादल कड़क रही है, बारिश भी होगा शायद। और इतनी अच्छी नज़ारा देखने के लिए बहुत ही कम ही जगह मिलता है। और अभी देखो वो रहा क्रेटा खड़ा है उधर, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। करण भाई कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है। क्वालिटी देखो यार, कितना फेस में लाइटिंग आ रहा है। हाँ ना, लेकिन अंधेरा है। और क्या, पागल कर देगा लड़का केडी ब्रो। तो गाइस सबसे अमेजिंग चीज क्या हो रहा है अभी पता है? यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, ये देखो। ओ भाई ये देखो, ओले गिर रहे हैं ऐसे पूरा, देखो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा। अभी ओला स्टार्ट हो गया, अभी बारिश भी स्टार्ट हो जाएगा। और क्या तो मौसम है यार, इतना शानदार मौसम मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसे ओला वाला फीलिंग। ओ हो हो, तो ओले गिर रहे हैं भाई, और बादल देखो कैसे कड़क रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, एकदम अच्छा वाला वाइब्स फीलिंग, बहुत ही शानदार। और पूरा ओले गिर रहे हैं, वाइट वाइट हो गया यहाँ पे। तो बहुत ही मन कर रहा था कि चलो यार वो स्नोफॉल देखने का मौका मिला। स्नो तो नहीं है लेकिन गोल गोल इतना बड़ा बड़ा ओले जैसा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ठंड। ये देखो ये सब पूरा अपना गिर रहा है। बहुत ही अच्छा फीलिंग्स है यार, वाइब्स बहुत ही शानदार। और देखो मौसम, ओ ओ तो गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब, क्योंकि बारिश भी होने लगी है बहुत तेज। ये देख सकते हो आप, मौसम तो इतना खतरनाक चेंज हो गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और करण भाई कैसा लगा अल्टीमेट सीन है यार, नजारे देखो यार, क्या तो नजारे है। जब ये हुई है ओले गिरना शुरू हुआ यार। हाँ, ओले। हाँ। पहले मन में बोल रहे थे यार स्नोफॉल है तो मजा आ जाता, लेकिन देखो ओले गिर गए और भगवान ने हमारी सुन ली। और ये देखो यार बादल देखो, कितना खतरनाक एकदम डेंजर सा बादल लग रहा है यार। ऐसा नजारा देखना है तो बिरबिलिंग आओ और मजे करो पैराग्लाइडिंग करके। ऐसे मौसम में सोचो पैराग्लाइडिंग होता तो कैसा लगता। ओ भाई साहब, और देखो बारिश भी तेज हो गई और अंधेरा भी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब, और हम लोग ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं रहे क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बारिश होने लगी तो लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो जी निकल गए। हाँ हम लोग लेट कर दिए यार, सब लोग भगाया है। चलो जी भाई। यार ये क्या हो रहा है भाई, आज हम लोग का सच में स्ट्रगलिंग हो गया बहुत ज्यादा। ओले देखो यार कितना ज्यादा गिरा, बिजली कड़क रही है, कितनी तेज आवाज भी आपको आ रही होगी, बहुत तेज हो रहा है भाई, पूरा रोड वाइट हो चुका है पूरा। क्या करण भाई, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है क्या भाई? और धीरे धीरे देखो विजिबिलिटी हम लोग का कम होते जा रहा है, और टायर का ग्रिप भी अच्छे से नहीं पकड़ रहा है क्योंकि देखो रोड में पूरा ओले भर चुके हैं बर्फ से। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग के साथ। बाकी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं, और ऐसा नज़ारा देखने का मौका बार बार मिलता नहीं। हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा कान भी सुन हो चुका है तो अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन इतना तेज आवाज़ आ रहा है ना ऊपर से जब टकरा रहे हैं। और देखो सामने के बोनेट में पूरा ओले भर चुके हैं, ये देख सकते हो।